अरे बाप रे बाप। अरे क्या आज आप खेलोगी मेरे साथ 10 का दम? अच्छा तो ये शो आ रहा है 10 साल के बाद, तो स्टार्ट हम इस शो को करते हैं ये कह के कि नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत एंड वेलकम टू 10 का दम। आज हम लोग ये एक्सपीरियंस करेंगे, रेडी हो, 10 का दम शो एक नए अंदाज में। इतने सारे फोन्स, वाह, कैमरा तो है ही और फोन्स भी हैं। दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ सोनम्स वेडिंग। में ये शो शुरू हुआ था एंड आई थिंक दैट वाज माय टेलीविजन डेब्यू। और उस वक्त थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस वक्त थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी एंड आई वाज रियली स्केयर्ड टू कम एंड शो माय ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑन 10 का दम। बट देन आई सेड कि चलो आ ही जाते हैं 10 का दम पर, टीवी पर आ ही जाते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि टीवी का जो एक पावर है, ये जो मीडियम है, आई थिंक इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट वी हैव, जिसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब क्या करें। सो आई वॉज रियली रियली स्कैर्ड एंड आई आस्क्ड माय फादर कि जाऊं ये करूं, क्योंकि इसके अंदर कॉमन मैन होगा, मैं होऊंगा, और you know, I'm just really scared of being me, of being who I am. He said, then who do you want to be? This is what you are, this is who you are. Go and show the world who you are. Agar accept hota hai, to bahut acha. Agar nahi hota hai, to phir apne aap ko badlo. It made sense to me. I remember the first episode that I did of 10 Ka Dam. Oof! You know, it's releasing. इतना टेंशन था कि अरुणो के पर्दे पे तो एक्सेप्ट हो गए हैं, अब वो लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं, यू नो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स, यू नो सपोर्टिंग कास्ट, यू नो डायरेक्टर सेज वन मोर, यू हैव द बेस्ट ऑफ द DOPs एंड यू इन द कैरेक्टर। तो नेगेटिव कैरेक्टर खेल लो, पॉजिटिव कैरेक्टर खेल लो, वो पता है लोगों को एक पिक्चर है। बट जब टीवी पर जब आते हो एंड यू नो कि ये इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, ये आदमी की खुद की सोच है, ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स हिमसेल्फ, सो दैट इज़ व्हेन योर पर्सनालिटी कम्स आउट। जैसे कि आपने देखा होगा 10 का दम या इवन द अर्लियर शो दैट आई हैव डन, इट इज़ हु आई एम इन रियल लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई एम ऑन टीवी। सो आई लाइक दैट फॉर्मेट, आई लाइक इट इवन मोर बिकॉज क्योंकि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, द वे आई एम, हाउ आई एम, दे गॉट टू नो द रियल मी। इनफैक्ट मैं पनवेल से, आई रिमेंबर कि मैं पनवेल में शूटिंग कर रहा था वांटेड की एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एंड देन माय बॉडी शॉट्स वर कमिंग अप, तो मैं पनवेल से फार्म हाउस, सुबह फार्म से फार्म हाउस चलते हुए गया। आई हैव नेवर सीन दिस देयर। जब से मैंने PR किया, रिलीज हुई, तब से वो फार्म हाउस है हमारे पास। बट One old lady came out and said, "Hey, Baga, 10 ka dam." And then after that, जो हमारी mobile phone की जो connectivity है, वो इतनी strong है कि those 8 kilometers of that run, that whole village, the small villages of, you know, 20 houses, 25 houses, they were all outside and saying, "10 ka dam, 10 ka dam, 10 ka dam." तो पहले तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद ये एहसास हुआ कि मैंने प्यार किया भूल गए, प्रेम भूल गए, समीर भूल गए, राजा भूल गए, हर चीज़ भूल गए, करण तक के भूल गए, करण अर्जुन, लेकिन उनको मेरा नाम याद हो गया और 10 का दम का नाम याद हो गया। सो देन आई रियलाइज द पावर ऑफ द मीडियम। तो जब मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ कि यू मस्ट डू TV, तो दे लुक अपॉन TV एज, ये क्या TV करें यार, हमको ये गलत एडवाइस दे रहा है।
वैसे जब मैं खुद टीवी कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है टीवी करने में? आप लोगों से कुछ सवाल पूछे गए थे। अच्छा, एक वो जो पूछे जो गए थे आप से सवाल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इस शो की मैं आपको खूबी बता देता हूं कि इस शो के जो जरिए है ना, हमें ये जानने को मिल जाता है कि इंडिया की सोच कहां है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, क्या सोचती है हमारी इंडिया। और ये जो पूछे गए सवाल हैं, इनके जवाब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इनके जो जवाब हैं, हमने एक सर्वे द्वारा, जो कि सोनी लिव एक सर्वे किया था, हमने ऐप पर, उस पर, आई थिंक दिस मस्ट बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्वेज दैट एनीवन हैज डन। लाखों की तादाद में लोगों ने उन सवालों का जवाब दिया है। और जो शो में जो आते हैं मेहमान, ऑब्वियसली खेलने के लिए, उनको अनुमान लगाना है कि भारतीयों ने क्या जवाब दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये शो वापस से आया है। एंड अराउंड दिस टाइम क्या बजे? 8:28, मतलब अभी के 2 मिनट बाद 8:30 बजे हर सोमवार मंगलवार सोनी पर, ओके लिसन ओनली ऑन सोनी, सोनी पर आएगा 10 का दम। You want to experience the excitement and the thrill of the show? तो आप सबको एक मीडिया इनवाइट दिया गया था। एक सवाल भी पूछा गया था आप लोगों से, करेक्ट? वो सवाल क्या था? अरे वो सवाल क्या था? कितने क्या प्रतिशत भारतीय? यहां पे जरा हाथ उठाएं कि कितने ऐसे दामाद हैं जो नाराज घर में आए हैं भारतीय। नहीं, मैं भारतीय भारतीय भारतीय। सबसे करीब जिन्होंने अनुमान लगाया है, उन दोनों को मौका मिलेगा यहां खेलने का। करेक्ट आंसर था, any guesses? हाँ, 38 48 35 75। भारती नहीं, 85 35 100। अगर मेरी फैमिली खुद को गिनोगे बस ये तो 100 है। 99 और 45। ओ माय गॉड, यू आर सो क्लोज। द आंसर इज 23। या चलो, गुड।